वेलकम टू प्रेशल और ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 एक्ट कंप्लीट किया था, आज हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर जो आपका कंट्रोल ऑफ स्पीरियस ड्रग है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक के अंदर इस एक्ट को ही बताया गया है। देन फर्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ स्पीरियस ड्रग, जिसके अंदर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इस एक्ट का ऑब्जेक्ट आता है, इसके अंदर लाइसेंस के थ्रू ही इंपोर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेल किया जाता है ड्रग्स और कॉस्मेटिक को। दूसरा आता है कि ये मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है ड्रग्स और कॉस्मेटिक को बाय द क्वालिफाइड पर्सन्स ओनली, जो उसकी जानकारी रखते हैं उन्हीं पर्सन्स, वही पर्सन्स उसका मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूट या सेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो सेल की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर या सिद्ध या फिर यूनानी ड्रग्स को लेकर, वही इसके लिए ही रेगुलेशंस बनाए गए हैं। देन एस्टैब्लिश किया गया है टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटीज़ को, जिससे कि एलोपैथी और जो उससे रिलेटेड ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स हैं उनको बनाया जाए। अब आती हैं डेफिनेशंस। इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। तो पहली डेफिनेशन आती है ड्रग की। ड्रग का मतलब होता है जितनी भी मेडिसिंस होती हैं, चाहे वो इंटरनल के लिए हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो, ह्यूमन बींग्स के लिए, चाहे वो आपके एनिमल्स के लिए हो, या कोई भी जो सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया गया है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, या फिर प्रिवेंशन ऑफ किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, या जिसके अंदर प्रिपरेशंस भी की जाती हैं ह्यूमन बॉडी को जो भी किसी भी इंसेक्ट या मॉस्किटोस से रिलीव करने के लिए कोई भी ऐसा कोई ड्रग बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें ड्रग के अंदर आती हैं। तो ड्रग का बेसिकली मींस अगर हम माने तो उसका मतलब होता है मेडिसिंस, है ना। तो इसके अंदर ये डिफाइन किया गया है। देन आता है कॉस्मेटिक, किसी भी आर्टिकल जो कि रब्ड, प्योर्ड, स्प्रिंकल या स्प्रे किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी पार्ट के लिए, क्लीनिंग के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए या अट्रैक्टिव बनाने के लिए या अपीयरेंस के लिए, है ना, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। कोई भी आर्टिकल जो कि जिसका इंटेंशन ये होता है कि वो एक उसके अंदर ऐसा कंपोनेंट यूज़ किया जाए जो कि कॉस्मेटिक के अंदर आता है, जो आपको ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, क्लिंजिंग करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। देन नेक्स्ट आता है मिस ब्रांडेड ड्रग, इसके अंदर भी मिस ब्रांडेड वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसमें पूरा नाम इसका है मिस ब्रांडेड ड्रग। इसके अंदर ये कहा गया है अगर कोई भी ऐसा ड्रग है जिसको कलर किया गया है, कोटेड किया गया है, पाउडर या पॉलिश किया गया है और वो डैमेज कर रहा है किसी भी तरीके से, तो ये उसको बेटर बनाने के लिए, किसी भी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको ये दिखाने के लिए ये बेटर है या ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू है उसकी, तो उस तरीके से उसको बोलते हैं मिस ब्रांड ड्रग। तो इसमें नेक्स्ट में आता है कि अगर उसके अंदर लेबल उसका प्रिस्क्राइब्ड मैनर से उसका लेवल नहीं है तो उसको उस कंडीशन को हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड ड्रग के अंदर वो ड्रग्स आती हैं अगर कोई ड्रग है वो इस तरीके से उसका उसे पूरी तरह से या उसका कोई पार्ट इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर गंदगी है, किसी तरीके से डिकम्पोज सब्सटेंस उसमें यूज़ किया गया है, या फिर उसको प्रिपेयर या फिर उसको पैक या स्टोर किया गया है इनसैनिटरी कंडीशन को लेकर, इनसैनिटरी कंडीशन में उसको रखा गया है। इनसैनिटरी कंडीशन मतलब अनहेल्दी कंडीशन में उसको रखा गया है और वो कंटेमिनेटेड हो गया है उससे, और जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए ड्रग, तो उसको बोलते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। या फिर उस ड्रग को जो कंटेनर जिसके अंदर रखा गया है वो पॉइजनस है या किसी तरह से उसके अंदर डिलीटरियस सब्सटेंस यूज़ किया गया है जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए, तो उस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं उसको अडल्ट्रेटेड ड्रग्स बोलते हैं। जब हमने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एडल्ट्रेटेड फूड और मिस ब्रांडेड फूड के बारे में बात करी थी, और इसके अंदर हम एडल्ट्रेटेड ड्रग और मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन वही है, बस आर्टिकल्स चेंज हो गया। उसके अंदर फूड आर्टिकल्स था, इसके अंदर ड्रग्स को लिया गया है, मतलब कि मेडिसिंस को। देन नेक्स्ट आता है स्पीरियस ड्रग्स। ड्रग्स कौन से होती हैं जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर कॉस्मेटिक, मतलब उसको मैन्युफैक्चर किया गया है उस नाम से जो कि दूसरे कॉस्मेटिक से बिलोंग करता है, या फिर उसके अंदर ऐसी उसे नकल की गई है, उस ड्रग्स को लेकर नकल की गई है या सब्स्टिट्यूट बताया गया है, या किसी भी अनदर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई अलग कॉस्मेटिक है और उसको
उसका जो लेवल है, कंटेनर है, वो ऐसा ही है दिखने में जैसे कि दूसरा कॉस्मेटिक। और इसके अंदर जो उसका ट्रू करेक्टर है या फिर उसकी आइडेंटिटी है उसको नहीं दिखा रहा है या फिर उसके आइडेंटिटी को छिपाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम स्पीरियस ड्रग्स की कंडीशन मानेंगे। स्पीरियस का मतलब ही ये होता है कि छिपाना, धोखे से कोई और जो ड्रग है उसको आपको दे देना। देन नेक्स्ट आता है अगर कोई कॉस्मेटिक कंटेनर है उसके पैकेजिंग पर या उसके कंटेनर पर लगे जो भी कोई लेवल है, तो उससे लेवल है उसके उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर है ना, उस कॉस्मेटिक का जो मैन्युफैक्चर है उसके रूप में कोई भी फिक्टिशियस इंडिविजुअल या कंपनी का नाम होता है, तो वो कंडीशन आपकी स्पीरियस ड्रग में आ जाती है ना। कोई प्रोडक्ट है उसका जो मैन्युफैक्चर है वो ट्रूली प्रोडक्ट उसका नहीं है, तो वो कंडीशन भी आपकी स्पीरियस ड्रग में आती है। तो देन नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। तो फर्स्ट इसमें आता है एडवाइजरी अथॉरिटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होती है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है टेक्निकल मैटर्स के लिए एडवाइज करती है और इस एक्ट के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उसको असाइन करती है। देन नेक्स्ट आता है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। इसके अंदर दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ईच स्टेट गवर्नमेंट का। इसका फंक्शन ये है कि एडवाइज इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो किसी भी मैटर है जो कि यूनिफॉर्मली वर्क करेगा इंडिया पे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ये सेटअप करती है और उसके रिलेटेड मैटर्स को एडवाइज करती है। देन उसके बाद ड्रग कंसल्टेटिव जो कमेटी होती है वो जब भी होती है जब उसकी ज़रूरत होती है, और इसके पास ये पावर है कि ये अपना प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकती है। एनालिटिकल अथॉरिटी जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो एडवाइजरी अथॉरिटी थी, और ये जो है एनालिटिकल थ्योरी एनालिटिकल अथॉरिटी है। तो फर्स्ट आता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, और ये जो डायरेक्टर है ये अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका फंक्शन है कि ये एनालाइज करता है, टेस्ट करता है सैंपल ड्रग्स और कॉस्मेटिक के जो कि कस्टम कलेक्टर कोर्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, और इसका ये फंक्शन है कि ये कलेक्शन करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरनल स्टैंडर्ड्स को, और प्रिपरेशन करता है ये रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, और मेंटेन करता है ये माइक्रोबायल कल्चर्स को। कोई भी ड्यूटी जो होती है वो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये अपीलेट अथॉरिटी का भी रोल प्ले करता है रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट आता है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स। इसका कंपोजिशन ये है कि ये बड़ौदा भुज राजकोट में है। इसका फंक्शन ये है कि ये ड्रग सैंपल एनालाइज करके, फूड सैंपल एनालाइज करके टेस्टिंग करता है जो भी सैंपल होते हैं उनका। देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो ये जो इनके जो ऑफिसर्स हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके रिगार्डिंग ये परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ को। जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो एनालाइज करता है, टेस्ट करता है सैंपल का और ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड और जो भी इंस्पेक्टर के द्वारा उन्हें दिए गए हैं। जो गवर्नमेंट एनालाइज है वो टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को देता है, और जो रिजल्ट है उसका एनालिटिकल वर्क का, रिसर्च का, उसको पब्लिकेशन भी कराता है। देन नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में लाइसेंसिंग अथॉरिटी आती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन वो ये है कि ये ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और मेडिसिन में, और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इसका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जो भी यूनिवर्सिटी होगी इंडिया की उसके उससे। देन आता है जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग का ड्रग्स को, मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। और इसका फंक्शन है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का कि इंस्पेक्ट करती है जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं लाइसेंस्ड करने के लिए जो कि सेल कर रहे हैं उस ड्रग्स का विद इन द एरिया जो उनको असाइन किया गया, उसको ये इंस्पेक्ट करेगा। देन जो भी कंडीशन होगी लाइसेंस की उसको ऑब्जर्व करेगा, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है उसको वो इंस्पेक्ट करेगा। देन जो भी टेस्ट किया गया है या फिर एनालाइज किया गया है सैंपल का उसको भेजेगा, और इम्पोर्टेड पैकेजेस जो हैं उनका टेस्ट एनालाइज करेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ये किसी भी कंप्लेंट पे जो भी रिगार्डिंग होगी ड्रग्स से और कॉस्मेटिक से। देन आता है ड्रग इंस्पेक्टर। इसका कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर जो पर्सन है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एनालाइज फॉर एलोपैथिक ड्रग, जिसको
वो जो कि गवर्नमेंट एनालाइजिस कर सकता है एलोपैथी ड्रग का, या फिर उसके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद सिद्धा यूनानी सिस्टम, नॉट लेस देन 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालाइज करने का ड्रग्स को, और लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, और जो केमिकल एग्जामिनर होना चाहिए और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्पेशली अप्रूव्ड फॉर द दिस पर्पस, मतलब जो केमिकल एग्जामिनर है या फिर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो उसको वो उसके द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए। देन इसका फंक्शन होता है इंस्पेक्शन करना किसी भी प्रेमाइसिस में, किसी भी ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक को लेकर जहाँ वो मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर वो सोल्ड किया जा रहा है स्टॉक में, या एग्जिबिट किया जाता है, या ऑफर फॉर सेल है, या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सैंपल लिया जाता है ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक का, और उसे मैन्युफैक्चर और उसे बेचा और उसे स्टॉक और उसे ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो जिसका वो सैंपल ले रहा है उसके रिगार्डिंग वो उसके सैंपल ले सकता है, जो वो इसके रिगार्डिंग वो ड्रग का सैंपल ले सकता है जिसे वो बेच रहा है। देन किसी भी पर्सन जो भी डिलीवरिंग कर रहा है या फिर कन्वे कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है डिलीवर करने के लिए उस ड्रग और कॉस्मेटिक को परचेजर को या कंसाइनी को, तो उस उन सारे ड्रग्स को या फिर उन सारे कॉस्मेटिक्स को वो सैंपल लेने की जो पावर है वो ड्रग इंस्पेक्टर के पास होती है। ये जो एक्ट एप्लीकेबल है ये इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, सेल और लेबलिंग और पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, इन चारों पर है। देन नेक्स्ट आता है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। सो मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग्स में एडल्ट्रेशन या फिर स्पीरियस ड्रग है, कोई टेक्टॉक टॉक्सिक सब्सटेंस अगर उसके अंदर है, तो उसके लिए 5 साल की जो 5 साल की इम्प्रिजनमेंट, और जो एक्सटेंड किया जा सकता है इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और इसका मिनिमम जो फाइन होगा वो 10,000 रुपीज़ है अगर वो पहली बार करता है, फर्स्ट कन्विक्शन होता है, अगर उसका वो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करता है तो उसका इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर तक है, और वो एक्सटेंड हो सकता है उसका फाइन 20,000 और बोथ। देन नेक्स्ट आता है कि अगर अल्ट्रेशन ड्रग करता है, वो फॉर्मुलेशन करता है, बट उसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्लूड नहीं है और वो ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है विदाउट लाइसेंसिंग, तो इसके लिए इंप्रिजनमेंट उसे 1 से 3 साल तक की हो सकती है और उसका फाइन है 5,000 रुपीज़, और जो कोर्ट है वो पनिशमेंट देगा फर्स्ट कन्विक्शन में तो जो कोर्ट है वो रिड्यूस कर सकता है पनिशमेंट फॉर फर्स्ट कन्विक्शन में, बट अगर वो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करता है तो 2 से 4 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन उसका 10,000 रुपीज़ है, और कोर्ट चाहे तो उसके हिसाब से वो रिड्यूस कर सकती है क्वांटम पनिशमेंट को। और अगर कोई कंट्रावेंशन होता है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कन्विक्शन में वो इम्प्रिजनमेंट 1 से 2 साल तक का दे सकती है और फाइन भी दे सकती है। जो कोर्ट है वो रिड्यूस कर सकती है पनिशमेंट, बट जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगा तो उसमें 2 से 4 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और 5,000 रुपये फाइन होगा, या फिर वो दोनों दोनों भी उस पर अप्लाई कर सकता है। फॉर द ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस है जिसमें कि नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर डिस्क्लोज नहीं हुआ, प्लेस डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को 3 साल की दी जाएगी और उसमें जो फाइन होगा वो 1,000 रुपीज़ होगा। अगर या फिर दोनों फर्स्ट कन्वेंशन या फिर सबसिक्वेंट कन्वेक्शन में अगर अगर कोई ऑफेंस है और अगर उसने रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट उसका 3 साल का है और फाइन 1,000 का और बोथ। अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है कि वो अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कि उसने रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट की यूज़ करी है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसको फर्स्ट कन्विक्शन में पनिशेबल किया जाएगा और उसे फ़ाइन देना पड़ेगा 500 रुपीज़ का, और उसने सब्सिक्वेंट कन्विक्शन उसका है इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स और फाइन और बोथ। देन कॉस्मेटिक के लिए, अगर कोई स्पीरियस एडल्ट्रेट कॉस्मेटिक बेच रहा है या यू फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बेच रहा है, किसी तरीके से उसको मैनुफैक्चर कर रहा है, तो उसका इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर है और उसको फाइन है। अगर उसने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रॉपरली, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट 3 साल की होगी और उसका फाइन 5,000 रुपीज़ होगा अगर वो उसे मैनुफैक्चर करेगा या होल सेल करेगा तो। आज ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो प्रोविज़न है, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।